Trinions, so this is Trishna and you're watching my channel that is candidly yours. So आज का ये जो discussion है या फिर हम कहें कि आज का जो ये vlog है ये बहुत ही special होने वाला है मेरे लिए भी और शायद आप सबके लिए भी because ये particular जो vlog है it is a general chit chat and also a discussion of how a girlfriend is transitioned into a wife and what are the relationship rules. So यहाँ पे कोई you know love guru या कुछ ऐसा भी नहीं बैठने जा रहा है पर हम ये बस करना चाहते हैं डिस्कशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ एंड ऑब्वियसली ये डिस्कशन मैं अकेले तो कर ही नहीं सकती बिकॉज ये जो टैग है एक गर्लफ्रेंड का एंड अब एक वाइफ का एंड दिस होल एग्जिस्टेंस दैट आई हैव जस्ट फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव मेट हिम एंड आई हैव मैरिड हिम इट इज जस्ट बिकॉज दैट वन सोल पर्सन इन माई लाइफ एंड ही इज सुमित सहगल. यस, सो बहुत ही मुद्दतों के बाद एंड बहुत ही मिन्नतों के बाद आज का ये टाइम डिसाइड हुआ है इस पर्टिकुलर वीलॉग के लिए जिसमें कि हम अपने कुछ रैंडम जर्नी और अपने डिस्कशन से आपको बताएंगे कि हाउ अ गर्लफ्रेंड इज यू नो ट्रांजिशन इनटू अ वाइफ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई हस्बैंड माई कंपेनियन एंड माई पार्टनर फॉर लाइफ सुमित सहगल. सो ओवर टू सुमित. यस सुमित. हेलो फ्रेंड्स, I firstly I'd like to say hi to all of you and say thanks to my lovey-dovey wife for introducing me to you guys and just sharing her thoughts and my thoughts over this topic from being a journey of a girlfriend to a wife. Well, to start with, it's been more than 7 years since we guys are together. More than seven years since we are knowing each other and we have got to know each other better day by day. The relationship and has grown. From as she said, from a girlfriend to a wife, now even to a step further, being a proud parents of a lovely guy. So to start with, I and Sonu know each other from approximately 8 years, and if I would say precisely from 2009, जब से हमने MBA में admission लिया था, and हम दोनों ने admission लिया था लखनऊ के एक बहुत ही renowned institute से, that is जयपुरिया institute, वहाँ से हमने MBA का admission लिया था in 2009. And precisely अगर हम बात करें तो हम first year में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे because I was of the kind की जो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता था, किसी से कुछ भी नहीं मतलब इतना इंटरेक्शन रखती थी. सो आई वॉज अ वेरी स्नॉबिश काइंड ऑफ अ यू नो गर्ल यू कैन से. एंड फर्स्ट ईयर तक मैंने कुछ भी डिस्कशन या कुछ भी बात नहीं करी थी. इट वॉज फ्रॉम 2010 जब हमारा एक्चुअल यू नो इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत विद हाई एंड हेलो. एंड मुझे लगा था कि ये बनना तो मुझसे बहुत ही ऑपोजिट है बिकॉज ही वॉज ऑफ द काइंड जो कि हमेशा मतलब लोगों के बीच घिरा रहना एंड ही वॉज ऑफ द यू नो वेरी जैसे कहते थे अफेक्शनेट काइंड सबके लिए. बट मेरा ऐसा इंटरेक्शन था कि मैं किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करती थी. एग्जैक्टली, शी हैड अ ग्रुप ऑफ क्लोज थ्री फ्रेंड्स, थ्री ओनली फीमेल फ्रेंड्स एंड आई हैड अ वेरी वास्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. यू नो इवन इफ नॉट फ्रेंड्स जस्ट कलीग्स, वी यूज्ड टू हैव हैंग आउट विद ईच अदर. कहीं ना कहीं कॉलेज में कुछ ना कुछ किसी के साथ लगा रहना, कभी किसी के साथ. तो शी वॉज लाइक कि हाउ कैन यू जस्ट बी यू नो फ्रेंडली टू ऑल द पीपल, इट्स नॉट अबाउट. तो कॉलेज में एक ऐसा रहता ही है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि हर किसी का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपना फ्रेंड्स बनाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड योर करियर. सो पीपल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, तो इट जेलिंग बिकम्स ईजियर. बट मे बी सी हैड दैट कि इसका है कि नहीं, सी ऑलवेज हैड दैट परसेप्शन कि नहीं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं, तो इससे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं. वो जस्ट दे आर जस्ट योर कलीग्स एंड दे आर जस्ट फॉर टाइम पास फ्रेंड्स, और टाइम पास फ्रेंड्स नहीं चाहिए बिकॉज बड़ा पर्टिकुलर थी जो हर चीज़ को लेके. टिल डेट शी इज पर्टिकुलर. वी हैव आर्ग्यूमेंट्स ओवर वेरी वेरी स्मॉल इशूज बिकॉज शी इज सो पर्टिकुलर. जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे क्या रखा है, हम लोग ऐसे नहीं लगता है कि तौलिया क्यों रखा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा लगा ही रहता है. सो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से इज कि मेरा उस टाइम का जो पूरा क्वालिटी था, एज आई सेड कि मेरी कुछ क्वालिटीज मुझे गवर्न करते थे, दैट वाज माय इंपेशेंस, दैट वाज माय यू नो स्नॉबिश करेक्टर बिकॉज आई वाज नॉट ऑफ द काइंड जैसे इसने इतना डिस्क्राइब किया है कि मैं बिल्कुल भी सब लोग के साथ रहना और बहुत पसंद नहीं करती थी. एंड ऑब्वियसली मेरा बहुत ही फेमिनिन काइंड ऑफ आउटलुक नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट एट माई होम एंड आई यूज टू मैनेज सो मेनी थिंग. सो आई वुड लाइक टू से कि मतलब जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ कि क्या क्या चेंजेस आए थे मुझ में, तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ही अलग टाइप का मेरा यू नो ट्रेड्स थे. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी केम इनटू जॉब, तो जॉब में भी हम दिल्ली में ही साथ में ही थे काफ़ी टाइम तक. एंड वहाँ पे भी हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी अराउंड 2011 में.
एंड पोस्ट दैट मेरा जॉब में यू नो कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ एंड आई वेंट टू दिल्ली एंड वहाँ पे आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो केम टू दिल्ली फॉर्चुनेटली एंड दैट वॉज द टाइम जो मैं कहूँगी एक बहुत ही डिसाइडिंग एंड बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग टाइम था हमारे लिए बिकॉज मेरा बहुत ही चीज़ें चेंजेस आए एंड हाउ एक्चुअली आई चेंज्ड एज अ पर्सन बिकॉज धीरे धीरे करके आई ट्राई टू डेवलप पेशेंस एज ही कॉन्टिन्यूसली टोल्ड मी कि बहुत पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए एंड मैंने बहुत ही चेंजेस आए धीरे धीरे करके एंड ओवर दिस पीरियड ऑफ 7 years आई वुड से दैट कि मेरा बहुत क्योंकि वास्ट यू नो एंड वाइटल चेंजेस आए हैं अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स बाकी हैं एज ही कीप्स ऑन टेलिंग मी ऑल्सो सो अभी तक जैसे कि नॉर्मली होता ही है कि आफ्टर कॉलेज वी जस्ट स्टेप आउट वी आर अ बिट इमैच्योरिश इन ड्यूरिंग कॉलेज डेज सो एक जैसे होता है भी एज सून एज वी मूव इनटू द जॉब एंड अदर फेजेस ऑफ आवर करियर एंड लाइफ वी जस्ट स्टेप अहेड एंड वी ट्राई टू जस्ट गिव अप सर्टन बैड क्वालिटीज मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फेज व्हाट आई बिलीव दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग हर तो यही मैंने उसे कहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर खुद भी मैच्योरिटी आया है एंड ओवरऑल शी हैज ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वाइफ अ लविंग मदर एंड शी हैज चेंज्ड हर अ लॉट मेरे कहने पे ऑल्दो कॉन्स्टेंट नैगिंग पे शी हैज चेंज्ड हरसेल्फ अ लॉट और चेंज द चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड एंड शी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट बस ओनली स्मॉल सी मेरी इससे कंप्लेन अभी भी रहती है थोड़ा सा जैसे आजकल लेकिन मेजॉरिटी लड़कियों में रहता ही है तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं जस्ट यू नीड टू कंट्रोल दैट बट आई बिलीव लाइफ के जैसे जैसे फेजेस क्रॉस होते हैं आज वी क्रॉस दी थ्रेश होल्ड ऑफ 30-35 एक अलग मेजॉरिटी आती है एंड लेट्स बिगिन वी आर बैक आफ्टर अ पॉज I'm sorry. We are back and we have entertained the places क्योंकि हमारा बच्चा रोने लगा था and we had to feed him and we have to come back and we have to finally shoot this video because we have to get this done, right? So back again, we were talking about our journey in Delhi and then how things have changed. So basically 7 years में हम ये कहना चाहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया है हमने अभी तक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं but then there have been a downside also we have shared our experiences and we'll also share some of our observations जो हम लोग ने देखा है मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने कुछ जो अपनी कुछ कमी के पीछे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं देखा है और इससे कई बार हम लोग ने ये भी सोचा है कि लेट्स पार्ट वेज ऑब्जर्वेशन इसलिए कहा कि हम लोग ने ये भी देखा है कि कुछ जो हमारे फ्रेंड्स कलीग्स थे रिलेशनशिप में कॉलेज एक रिलेशनशिप में जाना है कॉलेज में बहुत ही आम बात है लेकिन उसको कंटिन्यू करना और लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट करना दैट इज़ अ बिग डील एंड वी टेक प्राइड इन दैट बिकॉज हमने भी देखा है कि पीपल फॉल आउट आज की डेट में बहुत ही आसान है रिलेशनशिप में जाना और उतना ही आसान है रिलेशनशिप से एग्जिट करना बिकॉज वंस द थिंकिंग डजंट मैच कहीं ना कहीं एक दूसरे को पिन पॉइंट कुछ ना कुछ करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हमने देखा है आर्ग्यूमेंट्स दैट लीड टू पीपल फॉलिंग अपार्ट तो वी ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू शेयर फ्रॉम आर एक्सपीरियंसिस की दैट वी हैव सीन द एक्सट्रीम ऑफ आर फाइट्स एक्सट्रीम मीन्स एक्सट्रीम ऑन ऑल द इशूज शी ऑल्सो टोल्ड आई ऑल्सो टोल्ड शी माइट बी रॉन्ग बट फॉर अ रिलेशनशिप एज शी टोल्ड फ्रॉम बींग अ गर्लफ्रेंड टू अ वाइफ इट्स ऑल टुगेदर अ चेंज अ कंप्लीट ट्रांजिशन यू नीड टू अंडरगो अ सी चेंज इन योर characteristics in your behaviors all the aspects aapko sab kuch dekhna hota hai college mein sab kuch masti hai because you do not have any pressures on you apart from the studies because once you are out you have so much of peer pressure competition matlab people moving ahead your career growth and how to settle down the financial things you know everything that to manage those things that becomes very you know tedious and taking along your relationship together that matlab managing both the things becomes very difficult that's why people fall apart aur kahin na kahin differences aate hain let those differences settle down discussion is the best way we have had fights post that we used to sit down and have a discussion ki nahi aise hai waise hai aise hai even with that I would still say ki hamare bahut sare discussions fruitful nahi bhi hote hain abhi bahut arguments hamare fruitful nahi hote because it is very common because it is very human ki आपके जो आइडियोलॉजीज हैं वो कभी मैच करते हैं कभी नहीं करते एंड इवन नाउ वी आर स्टिल इन दी यू नो शेप एंड इन दी फेज वेयर इन अभी हमको बहुत कुछ इम्प्रूव करना है बट द हैप्पी थिंग इज दैट व्हाट आई फील इज नो मैटर व्हाट हमारा कितने भी बुरा यू नो डिस्कशन हो या कितना भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो एट द एंड वी कैन नॉट नो रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर मैक्सिमम बाय नेक्स्ट डे मॉर्निंग नाइट में वी हैव दैट फाइट एंड ओके जस्ट होता है
वी आर टॉकिंग वेरी फ्रेंडली इन अ वेरी फ्रेंडली एंड टेलिंग यू द एग्जैक्ट थिंग्स. ये हर जगह होता है, सब किसी की लड़ाई होती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी यूज नो वी हैव टू स्टार्ट विद आवर डे विद अ गुड मॉर्निंग. Somehow what I feel is कि पहले तो मेरे में फिर भी ये होता था कि हमारी लड़ाई हो गई एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, सो वी हैव आवर ईगोज कि नहीं अगला बात करे अगला नहीं करे. बट नाउ एज अ वाइफ आई वुड से और एज अ पार्टनर आई वुड से आई पर्सनली डू नॉट फील गुड एंड आई मैं बहुत बार सोनू को बोलती हूं गर्लफ्रेंड और वाइफ में जो है क्या हो जाता है क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑन फोन सो यू कैन नॉट टेक कॉल्स. दो दिन चल जाएगा एक दिन चल जाएगा बट लिविंग इन द सेम रूम सेम हाउस यू कैन नॉट टॉलरेट एंड द अदर पर्सन जस्ट गिविंग दैट लुक. हाँ सो इट बिकम्स वेरी यू नो इरिटेटिंग. सो आइदर ऑफ अस नीड्स टू अप्रोच द अदर पर्सन एंड वी डू एक्चुअली अप्रोच ईच अदर कि कोई भी एक पर्सन अप्रोचेस एंड जस्ट वी ट्राई एंड सेटल डाउन थिंग्स एंड नो लेट make it a smooth ride. Let's make it a smooth ride. Yes. That is what the discussion is. Through this video, we just try to convey ki haan, we wanted to share our experience and how things are. And that's what in the midway I told you, we have seen, this was our observation. Each one of has seen that ki ye hota hai, humare koi na koi friends. Hum log usme se wo bhi hote hain jo advisors hote hain apne friend ke, ki nahi, you need not split. ऐसे होना है लेकिन हो रहे होते हैं. हमने सब कुछ देखा है एवरीबडी नोज बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट. लास्ट कमेंट्स फ्रॉम माय सो आई वुड से जस्ट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में बोला था कि मैं कैसी थी इन टर्म्स ऑफ एज अ पर्सनालिटी एज एन इंडिविजुअल. अब अगर मैं बोलूंगी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई डोंट नो हाउ मच ही विल अग्री बट आई फील दैट आई हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल आई हैव बिकम मोर यू नो सेंसिबल एंड यू नो मेच्योर एज ही सेज. आई वॉज नॉट एट ऑल मेच्योर व्हेन इट कम्स टू यू नो थिंकिंग ऑन अ बिग पिक्चर ऑन अ बिग स्पेक्ट्रम बट नाउ येस एज ही हैज सेड दैट कि आफ्टर मैरिज देर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स. बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखना होता है एंड अकॉर्डिंगली मैंने भी बहुत सारी चीजों को देखते हुए देर आर सो मेनी चेंजेस दैट आई हैव बॉट एंड आई हैव बिकम मोर यू नो फेमिनिन आई हैव बिकम मोर यू नो वुमेन इन कैरेक्टर एंड इन सब्सटेंस. सो देर इज लॉट टू इम्प्रूव स्टिल ही आई टेक व्हाटएवर ही सेज दो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं जरूर उस पर एक रिटेलिएशन देती हूँ एंड ही ऑल्सो अग्रीज टू दैट बट येस we are actually moving ahead and we are actually you know experiencing life experiencing parenthood. Maybe there'll be a different vlog wherein how we'll share our experience as parenthood also and sorry but our background score is you know going on our kid is there so that's all. So at the end I would say ki for a relationship at to the work end of the day you'd like to say ki stay cool stay calm stay composed have a wonderful day that's all and hasta la vista. Yes, so I hope you like this video and कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है. Just you have to like my channel and you have to subscribe to my channel and until we meet again, take care, much love and Sonu, keep watching, keep going. Bye bye.